Hey guys, welcome back to my channel. I am Rahul Negi और आज मैं आपको लेके आया हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में और लेके जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या क्या है और जो आपके सवाल होते हैं कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो ग्रेजुएशन का मुझे अगर सर्टिफिकेट लेना है या मार्कशीट लेना है तो मैं कहाँ से लूँ कैसे लूँ, तो मैं आपको आज वहीं लेके जाने वाला हूँ कि आपको अगर मार्कशीट आपको लेना है ग्रेजुएशन के बाद, आपने नहीं लिया होगा तो क्या होगा कैसे होगा, जो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आना है मुंबई यूनिवर्सिटी में वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट में बने रहिए और देखते रहिए। ये देखो मेरे पीछे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब मैं अंदर गेट में एंट्री मारने जा रहा हूँ। तो गाइस जैसे हम गेट से एंट्री मारते हैं, यहाँ पर राइट साइड में आपका हेल्थ सेंटर दिखेगा। आगे जाएंगे, आगे जाके आपको देखो यहाँ पे सब पाथ के सब दिए हुए हैं डायरेक्शंस। आपको सीधा जाके देखो यहाँ पे दो रूट मिलेगा। यहाँ से हमारा गेट है, ये गेट से हम अंदर आए तो यहाँ पे हमें दो रूट मिलेगा। एक है रूट नंबर 1 और ये है रूट नंबर 2। तो हमें ये रूट नंबर 2 में जाना है। यहाँ से हमें जाना है महात्मा ज्योतिराव फुले भवन में। तो चले हम चलो फॉलो करते हैं। तो गाइस देखो हमने वहाँ से राइट लिया, अंदर आए, अब यहाँ से रूट सीधा है। जैसे जाएंगे तो हम देखो हमें पीछे दिख रहा है जेपी भवन दिख रहा है और सीधा सीधा अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैं आपको बताता हूँ। जेपी भवन दिख गया हम लोगों, मैंने सुना है यहाँ पे हॉस्टल्स भी है, गर्ल हॉस्टल भी यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसा आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आपको सेंटा क्रूज स्टेशन रुकना पड़ेगा। सेंटा क्रूज स्टेशन से जैसे ही आप ईस्ट में आते हो तो ईस्ट में आपको लेफ्ट साइड में बस स्टॉप दिख जाएगा। बस स्टॉप दिखने के बाद आपको ये सारी देखो बस, मैंने स्क्रीनशॉट मार लो इसका, आपको ये सारी बस यहाँ पे लेके आएगी। और आपको अगर स्पेसिफिकली आपको अगर अंदर तक आना है तो एक 318 नाम की बस है, तो आप वहाँ से आ सकते हो अगर आपको आना है तो अंदर तक। मुझे बाहर आना था मैंने, इसीलिए मैंने बाहर का देखो बस देखो 318 नाम की ये बस जो जा रही है, देखो ये 318 नंबर की बस है, ये आपको अंदर तक लेके आएगी। मुझे बाहर से आपको दिखाना था इसीलिए मैं बाहर से आया। बस के आपको लगेंगे ओनली 5 रुपीज़। अगर आप आते हो रिक्शा से तो रिक्शा से आपको लगेगा 25 रुपीज़। अब देखो मैं इस जो रूट में आ, तो क्या देखो हमने वहाँ रास्ता वहाँ चालू किया था वो कॉर्नर से, वहाँ से देखो गेट आया था, गेट से यहाँ से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके राइट वापस राइट लिया, राइट लेके इधर आ गए और अभी ये एक रूट उधर जाता है और यहाँ पे एक रूट इधर जाता है। तो हमें लेफ्ट में जाना है, हमें राइट की तरफ नहीं जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है। तो हम कंटिन्यू करते हैं रास्ता। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। जैसे हमने लेफ्ट लिया तो हमें देखो यहाँ पर राइट साइड में दिखता है शहीद भगत सिंह शिक्षक भवन। यहाँ से हम सिया जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा रिजल्ट्स में, नेम में अपना चेंजेस करना होगा, आपका एड्रेस में चेंजेस करना होगा। कैसे जहाँ से ज़्यादा हमारा जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है और डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा हम वही जगह जा रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको वही जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हब है एक तरह से, जहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे पढ़ाई होती है BA MA BCOM साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, जो भी आपको पढ़ना है वहाँ पे पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग्स होती है। ये देखो ये हम मेरे सामने एक और कुछ मार्क आ गया, ये क्या है, ऑनरेबल शंकर राव चौहान शिक्षक, ये आ गया। हमें सीधे से यहाँ से जाना है, आप देख सकते हैं ये लैंडमार्क के तौर पे देख सकते हो इसे। अगर आपको जाना है तो ये आसपास में आपको ये सब मिलेंगे। ये देखो यहाँ से हम आए चल के, अभी यहाँ सीधा फिर वहाँ पे, यहाँ पे 3 रास्ते आते हैं, एक रास्ता सीधा आता है, एक लेफ्ट में आता है, एक राइट में आता है। हमें जाना है राइट में। ये बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ राजीव गांधी सेंटर, न्यू गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल ऑफ लैंग्वेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, जो भी आपको जाना है वो यहाँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे 3 रास्ता आता है तो आप जैसे आगे आगे जाते रहोगे तो आपको देखो पीछे दिखेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन। ये देखो
ये हम सीधा नहीं गए, हम राइट लिए, हमें राइट जाना है। और राइट जाके आपको दिखेगा इतने सारे कैंपस, बहुत सारे यहाँ पे। राइट लेके राइट लेना है। ये देखिए मेन प्लेस है जहाँ पे, यही है महात्मा भाई पुले भवन। यहाँ पे आपको लाइन लगाना होगा, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो गाइस मैं भी आपको बताता हूँ कि इधर आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब भी आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स बाहर से लेके आने हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो भी जेरोक्स है वो आपको बाहर से लेके आना है, क्योंकि अंदर यहाँ पे कोई जेरोक्स की दुकान नहीं है, तो आपको गेट से बाहर से लेके आना होगा। सेकेंड बात, आपको यहाँ पे 3 से 4 बार आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना रिजल्ट लेने आया था ग्रेजुएशन का, उसके लिए मुझे आना पड़ा था मैं एक बार 1 मंथ 2 मंथ पहले आया था, जब मैं इंक्वायरी करने आया था। फर्स्ट टाइम मैं इंक्वायरी करने आया था, सेकेंड टाइम मैं आया था, वो जो इंक्वायरी थे मुझे मालूम पड़ा डॉक्यूमेंट्स क्या लाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स देने आया था। और थर्ड टाइम आज हो गया जो कि मैं रिजल्ट लेने आया था, बट आज भी उन्होंने मुझे कुछ पेपर थमाया, उन्होंने मुझे बोला कि वापस आपको आना है 1 मंथ बाद आना है मुझे। तो इसी के तरह आपको 4 से 5 बार आना पड़ेगा। अभी आपको क्या काम है वो डिपेंड करता है, जैसे आपको अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या आपको कुछ भी काम होगा वो होगा यही भवन में, जो मैंने बोला आपको महात्मा ज्योतिराव फुले भवन में, उधर ही सब होगा, तो उधर ही आपको आना है। ठीक है, रास्ता मैंने आपको रूट सब बता दिए, तो वहाँ पे आपको आना है तो जेरोक्स लेके आना है बाहर से, ये याद रखना, क्योंकि काफ़ी लोग वही गलती करते, जेरोक्स नहीं लेके आते और डायरेक्ट आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको, मैं आपको पूरा रूट नहीं दिखा सकता क्योंकि पूरा रूट काफ़ी लंबा है, मैं बोला जैसा कि ये हब टाइप है, तो जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी कि यहाँ पे आना है तो रिजल्ट कैसे लेना है, आपको नाम चेंज करना, क्योंकि ज़्यादातर सब लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपका मेन है, डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस होते हैं हमारे, और आपको डॉक्यूमेंट लेना होता है, लास्ट टाइम में ग्रेजुएशन का रिजल्ट लेना होता है, तो वो सब आपको मिलेगा महात्मा ज्योतिराव फुले भवन में। इधर आओ, लेके जाओ, और आपको कम से कम 3 से 4 बार राउंड मारना पड़ेगा, बस। ठीक है भाई, इसी के बाद स्माइल करो, खुश रहो, और वीडियो में एंड करो, चलो भाई।